सब्जेक्ट बिजनेस लॉ चैप्टर नंबर 1 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. सो व्हाट इज बेसिकली इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय अ law or by following a legal procedures. Before a company is formed, a lot of preliminary work is to be performed. The lengthy process of formation of a company can be divided into 4 distinct stages. That is, the first one is promotion. Second one is incorporation or a registration. Third is capital subscription. And the last stage is commencement of a business. So, a private company can start business as soon as it obtains the certificate of incorporation. It needs to go through first 2 stages, that is promotion and incorporations or a registration. The reason is that a private company cannot invite public to subscribe to its share capital. But a public company having a share capital has to pass through all the 4 stages mentioned above. जब आप कंपनी established करते हो, जब आप कंपनी बनाते हो या incorporation आप registration करते हो, तो 2 type की companies होती हैं. फर्स्ट जो प्राइवेट कंपनी है वो, और सेकंड जो पब्लिक कंपनी है वो. अब दोनों कंपनीज के लिए प्रोसीजर जो है वो हमारा अलग अलग है. अगर आपका प्राइवेट कंपनी है तो आप अपना कंपनी इजीली इस्टेब्लिश कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन जो है वो इजीली हो सकता है, आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है वो इजीली मिल सकता है. तो प्राइवेट कंपनी जब आपको बनाना होता है तो आप सिर्फ प्रमोशन करोगे, प्रमोशन आपने कर लिया है और आपको सेकंड स्टेज फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन. तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा. बट अगर आपका पब्लिक कंपनी है तो आपको कैपिटल जो है वो कैपिटल चाहिए, और उसके बाद आपको जितने स्टेजेस दिए गए हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में, जैसे कि प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस, तो ये चारों जो स्टेजेस हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं. तो हम फर्स्ट स्टेज पढ़ते हैं, प्रमोशन. प्रमोशन जो है वो क्या होता है. The process of organizing and planning the finances of a business enterprise under the corporate form. प्रमोशन जो है वो क्या होता है, ये एक प्लानिंग होता है, ये आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो और उसको ऑर्गेनाइज करते हो. ये एक टाइप का प्रोसेस है जो कि आपको अपनी कंपनी के लिए परफॉर्म करना होता है, कि पैसे या फाइनेंस के लिए. प्रमोटर्स आर पर्सन इंगेज्ड इन और वन द अदर वे. प्रमोटर्स जो है वो क्या होते हैं, प्रमोटर्स जो हैं वो बेसिकली कंपनी से रिलेटेड होते हैं, या तो कोई एक भी प्रमोटर्स हो सकता है या कोई भी प्रमोटर्स हो सकता है जो आपको हेल्प करता है आपकी कंपनी बनाने में. द प्रमोटर्स मेक डिटेल्ड स्टडी टू एक्सेस द फिजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस आइडियाज एंड द अमाउंट ऑफ फिनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. प्रमोटर्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, उसको इजीली आप इस्टेब्लिश कर सको, रजिस्ट्रेशन हो सके, कैपिटल कलेक्ट कर सको, और जो भी आपके पास सोर्सेस है कैपिटल सब्सक्रिप्शन के, वो आपको प्रमोटर्स जो है वो इजीली अवेलेबल करके देने का काम करते हैं, मतलब आपकी हेल्प करते हैं फाइनेंशियल जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में. व्हेन द प्रमोटर्स आर सेटिस्फाइड अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी of the business idea, they take necessary steps for assembling the business elements and making provisions of the funds required to launch the business enterprises. Second stage, that is incorporation or a registration. This is the second stage of the company formation. It is the registration that brings a company into existence. A company is legally constituted on being duly registered under the Act and after the issue of a certificate of incorporation by the registrar of the companies. For the incorporation of a company, the promoters take the various preparatory steps, like to take approval of the company's name, to get a letter of intent under Industries Act, to get necessary documents like memorandum of association or articles of associations, etc. तो आपका जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है कुछ इस तरह से आपको दिखता है. आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया हुआ रहता है, जो ईयर है वो मेंशन किया हुआ रहता है आपके राइट हैंड साइड में, और फिर आपको वहाँ पे कौन से एक्ट के अंडर कौन सी कंपनी इस्टेब्लिश हुई है, मतलब जो आपने नाम सिलेक्ट किया हुआ है वो आपको उस सर्टिफिकेट में नाम मेंशन करके देते हैं, और आपको कौन सी कंपनी का रूल या कौन सा एक्ट फॉलो करना है वो भी मेंशन होता है. उसके बाद आपको उस पर साइन करके मिलता है, जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी होता है वो आपको साइन करके देता है. अब जिस भी स्टेट के रहोगे उस स्टेट का रजिस्ट्रार साइन करता है. थर्ड स्टेज, दैट इज़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन. अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या होता है, जैसे कि आपको बताया कि 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी को कैपिटल सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने शेयर्स जो है वो बेचता नहीं है. लेकिन जो
पब्लिक कंपनी है वहाँ पे कैपिटल सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है. तो अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर द ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू फर्दर गो थ्रू कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज. In the capital subscription stage, the company makes necessary arrangements for raising the capital of the company. The last stage, that is commencement of business. A private company can commence business immediately after the grant of the certificate of incorporation or registration. But a public limited company will have to undergo some more formalities before it comes to or before it can start its business. The certificate for commencement of business is issued by the registrar of the company. The certificate to commence business granted by the registrar is a conclusive evidence of the fact that the company has complied with all legal formalities and it is legally entitled to commence business. It may also be noted that the court has the power to wind up a company if it fails to commence business within a year for its corporation. अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी होता है वही प्रोवाइड करके देता है. और अगर आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिल गया है और अगर आपने एक साल के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो आपकी जो कंपनी है वो क्या हो सकती है, बंद की जा सकती है. तो अगर आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको जो है आपका बिजनेस विद इन अ ईयर स्टार्ट करना ही है. तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट जो है कुछ इस तरह से आपको देख सकते हो या देखने के लिए मिलता है. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट में भी सेम आपको कॉर्पोरेट या कंपनीज आइडेंटिटी नंबर दिया रहेगा, आपको वहाँ पे आपकी कंपनी का नाम दिया रहेगा और वहाँ पे बोला रहेगा कि आपको जो है कंपनी स्टार्ट करना है कौन से एक्ट के अंडर और आपने जो है कंपनी कौन से डेट को स्टार्ट कर मतलब कौन से डेट को आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपका कंपनी कौन से डेट को रजिस्टर्ड हो चुकी है, ये भी उस सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ रहता है. तो उस डेट से लेके आपको एक साल तक अगर आपको कंपनी स्टार्ट करना ही है, अगर आप नहीं स्टार्ट करते हो तो आपका जो कंपनी है वो बंद हो जाएगा. उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी होगा उसकी साइन होती है. इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट अलग होता है और कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट अलग होता है. इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है वो दोनों कंपनियों को मिलती है, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी को दी जाती है. अब कंपनी जब आप बनाते हो तो हमने पहले स्टार्टिंग में बात की, आपने देखा होगा वीडियो में कि अगर आप कंपनी स्टैब्लिश करते हो तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि आपके जो प्रमोटर्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करके देते हैं. तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या होता है? So, the preparation of a memorandum of association is the first step in the formation of a company. It is the main document of the company which defines its object and lays down the fundamental conditions upon which alone the company is allowed to be formed. It is the charter of the company. Memorandum of association jo hai wo kya hota hai? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जहाँ पे आपके कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, क्यों बनाया गया इस कंपनी को, ये मेंशन होता है. तो ये आपके कंपनी का पूरा इमेज क्रिएट करने का काम करता है. आप सर्विस देने के लिए बने हो या प्रॉफिट अर्न करने के लिए बने हो, ये आपको आपके ऑब्जेक्ट में मेंशन करना होता है. इट इनेबल्स द पार्टीज टू नो द पर्पस फॉर विच देयर मनी इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क दे आर अंडरटेकिंग इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट. इट गवर्न्स द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड. अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट क्या क्या हैं? तो फर्स्ट जो कंटेंट है वो है नेम क्लॉज. नेम क्लॉज मतलब आप जब कंपनी बना रहे हो तो कंपनी का कोई तो नाम डिसाइड करोगे आप, तो एटलीस्ट आपको 7 to 8 नाम्स जो है वो आपको सोच के रखना होता है, आपके माइंड में रखना होता है, जो कि आपको प्रमोटर्स हेल्प करता है आपको कंपनी बनाने के लिए. तो वो आपको 7 to 8 नेम्स जो है वो सजेस्ट करता है कि आपको इतने नाम रखने. कोई भी कंपनी बिना नाम के नहीं हो सकती. तो मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा पहला, कि हमको कंपनी जो है उसका नाम क्या रखना है. सो प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम. द कंपनी कैन अडॉप्ट एनी नेम इफ
there is no other company registered under the same or under an identical name. मतलब पहला ही रूल आपको पता चल गया कि यहाँ पे आप ऐसा नाम नहीं ले सकते जो किसी और कंपनी ने रखा होगा और रजिस्टर्ड होगा वो उस नाम के साथ में, तो आप ऐसे कंपनी का नाम नहीं ले सकते हो. सेकेंड, द नेम शुड नॉट बी कंसिडर्ड अनडिजायरेबल एंड प्रोहिबिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 20. अ नेम विच मिसरिप्रेजेंट द पब्लिक इज प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट. सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ऐसा कोई आप नाम नहीं रख सकते हो जो कि लोगों पे गलत इफेक्ट डालेगा. फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली, जैसे कि आपको पता है कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन कंपनी ने वो नाम क्यों रखा है. तो आपने भी लेटेस्ट न्यूज़ देखा होगा कि जो कंपनी है उसको क्या किया गया, बैन कर दिया गया उस प्रोडक्ट को, नाम चेंज करने के लिए बोला है कंपनी को. तो वो अपना नाम क्या करेगा, अब चेंज करके प्रोडक्ट को सेल करेगा मार्केट में. तो ऐसे ही आपको भी कोई भी नाम ऐसे नहीं रख देना है कि लॉ के अंडर जो है वो इनलीगल हो या आपको बाद में परेशानी हो उस नाम को लेके. सो नाम जो है वो आपको इसीलिए 7 to 8 नेम्स जो है वो सजेस्ट करना होता है, आपको प्लानिंग करनी होती है कि एटलीस्ट आप 7 to 8 नेम्स भी सोच के रखोगे तो किसी से वो मैच नहीं होगा, किसी कंपनी का नाम नहीं होगा. नेक्स्ट क्लॉज इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. Memorandum of association must state the name of the state in which the registered office of the company is to be situated. It will fix up the domicile of the company. तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, ये आपको एक लोकेशन बताता है. मतलब आपके पास एक लोकेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी कंपनी क्या कर सको, बना सको या इस्टेब्लिश कर सको. एवरी कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस आइदर फ्रॉम द डे इट begins to carry on business or within 30 days of its incorporation, whichever is earlier, to which all communications and notices may be addressed. So address जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपको जब incorporation certificate मिले तो आपका जो भी notice है या जो भी documents है उस address पर properly sent हो सके. Third object is object clause, aim. आपका aim जो है वो क्या है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज इन द मेमोरेंडम बिकॉज इट नॉट ओनली शोज द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड बट ऑल्सो डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ द पावर्स विच द कंपनी कैन एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स. इट इज इसेंशियल दैट द पब्लिक हु परचेज इट शेयर्स शुड नो क्लियरली वट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी और फॉर वॉट दे आर पेइंग. तो ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है उसमें आपको क्या है कि आपका जो एम है वो क्लियर होना चाहिए ताकि जब कोई आपका सब्सक्रिप्शन या कोई आपके कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करने अगर आ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा. तो आप अपना ऑब्जेक्ट उसको बता सको, आपको ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए. आप उसको अपनी प्लानिंग बता सकते हो, आप उसमें आपकी स्ट्रेटेजी बता सकते हो कि हाँ हमने ये चीज़ सोच के रखा है. तभी कोई भी, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी या आपका एम अच्छा होगा तो ही आपके बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा. तो ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट में. नेक्स्ट क्लॉज इज कैपिटल क्लॉज. Memorandum shall also state the amount of share capital with which the company is to be registered and divisions thereof into shares of fixed amount under section 13 and subsection 4. The capital with which the company is registered is called the authorized or nominal share capital. The nominal capital is divided into two classes of shares and their values are mentioned in the clause. Next clause is liability clause. In the case of company limited by shares or by the guarantees, the memorandum of associations must have a clause to the effect that the liability of the members is limited. It implies that a shareholders cannot be called upon to pay any time amount more than the unpaid portion on the shares held by him. He will no more be liable if once he has paid the full nominal value of the share. Liability clause मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे आपने shares purchase किए गए, मतलब ऐसी कंपनी जहाँ के shares जो हैं वो limited हैं, तो ऐसे जो जिन्होंने full payment नहीं किया होगा तो उनके shares भी क्या होते हैं, cancel कर दिए जाते हैं, और जिनके full paid होते हैं उसको बोला जाता है nominal shares.
थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है. थैंक यू.